क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकालते हैं? तो ओरिजिन से निकालते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, यानी आपको निकालना है ओ आर निकालना है, ठीक है। विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, कोई पी क्यू दो पॉइंट है, पोजिशन है जो ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें आप ओ आर निकालना है ओरिजन से। दो वेक्टर दिया है, टू रेशियो, कहने का मतलब है ये आपका एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। ये आपका है, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट क्यू है, ये क्यू मान लीजिए पी, पी से क्यू ज्वाइंट हो रहा इस तरीके से। यहाँ पे कोई पॉइंट आर है, बीच में कह रहा है कि कोई पॉइंट आर है, तो ओ से आर का क्या निकाल दो आप? पोजिशन वेक्टर निकाल दो। पोजिशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन से निकालते हैं, ये आपको दिया है ना पोजिशन वेक्टर निकालने के लिए, तो ऑलवेज ओरिजिन से निकालते हैं, यानी आपको ओ आर फाइंड करना है इस एक्सिस से, यानी जीरो जीरो से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया है जो डिवाइड है, पहला कंडीशन है इंटरनली डिवाइड किया है टू रेशियो वन में, उसके बाद किया है एक्सटर्नली, जब एक बार क्या होगा दूसरे कंडीशन में ये आर जो इंटरनली है वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा बाहर, तो उसमें क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, तो जब भी निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ओ आर आपको निकालना है, तो ये होता है मान लीजिए एम रेशियो एन में डिवाइड किया है, यानी टू रेशियो वन में, तो एम इक्वल्स टू हो गया और एन इक्वल्स वन हो गया, तो होता है एम बी प्लस एन ए वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये होता है फॉर्मूला जब इंटरनली डिवाइड हो, ठीक है, जब इंटरनली उसे क्या करे डिवाइड करे रेशियो में। वहां पे क्या है वेक्टर ए एंड बी, ये आपका इनिशियल वेक्टर है, ये क्या है टर्मिनल वेक्टर, तो यहाँ पे निकाल लीजिए ओ से आर के लिए एम क्या है आपका टू, एम क्या है आपका टू। अब देखिए कि जो फाइनल वेक्टर है वो क्या है आपका, ये वाला क्यू पॉइंट है, ये तो आपका पी है ना, और ये आपका क्यू है, तो देखिए पी से क्यू जा रहा, तो क्यू आपका टर्मिनल हो गया, पी इनिशियल हो गया, तो यहाँ पे ये टर्मिनल वाला पहले है, तो टर्मिनल वाला हो गया, तो यानी माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये है, उसके बाद प्लस है, प्लस एन, एन इक्वल्स वन है, वन। अब वेक्टर ए, अब वेक्टर ए क्या है आपका, ये वाला है, यानी आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइड बाई एम प्लस एन, यानी टू प्लस वन, टू प्लस वन, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब टू से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यानी टू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है, प्लस आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइड बाई थ्री। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपका है माइनस टू आई, यहाँ पे प्लस आई, यानी आपका बचा क्या है माइनस आई, ठीक है, माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे देखिए टू जे है, टू जे यानी फोर जे, फोर जे, यहाँ पे देखिए टू के माइनस के, यानी आपका प्लस के डिवाइड बाई थ्री, ठीक। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं, तो देखिए इस पेज में क्या आया था, माइनस आई माइनस वन प्लस फोर प्लस वन, माइनस आपका था माइनस वन प्लस फोर प्लस वन, यानी के डिवाइड बाय थ्री, ये था आपका ओ आर जब इंटरनली डिवाइड है, तो ये इंडिविजुअल लिख लीजिए माइनस वन बाई रूट थ्री आई प्लस फोर बाई रूट थ्री जे प्लस वन बाई रूट थ्री के,
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब ओ जो ओ आर है वो एक्सटर्नली डिवाइड हो, ठीक है, एक्सटर्नली हो, तो इसके लिए होता है ओ आर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, यानी एम बी माइनस एन ए डिवाइड बाई एम माइनस एन, ये आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओ आर एम इक्वल्स टू था, और बी देखिए बी क्या था आपका, ये है माइनस वन प्लस माइनस आई जे के, यानी हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस आई, ठीक है, प्लस जे प्लस के, उसके बाद ये माइनस है, एन की वैल्यू वन है, लिखने की जरूरत नहीं। ए अब ए आपका है यहाँ पे वन टू माइनस वन, आपका है वन टू माइनस वन हो गया, डिवाइड बाई एम माइनस वन यानी टू माइनस वन, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये हो गया माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, माइनस बाहर है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस आई माइनस टू जे प्लस के डिवाइड बाई वन, लिखने की जरूरत है, लिख दीजिए एक बार। तो ये आपका हो गया माइनस टू आई माइनस आई यानी माइनस थ्री आई, ठीक, प्लस टू जे माइनस टू जे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टू के एंड प्लस के यानी थ्री के, तो यानी ओ आर आपका जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, माइनस थ्री आई प्लस थ्री के, ये आपका आंसर है।